ये वाला तो ऐसे झोले में रख के ले, तो वो है रॉम्पर है। कितने का ये है? 1199 का। ऑफर क्या है? 40% ऑफ है प्लस 100। ओह माय गॉड, हाँ लड़कियों के एक से कपड़ा मिलता है। ये भी अच्छा, ये ड्रेस ही है एक तरीके से, ये सही पड़ेगा। वीडियो में फोटो में भी अच्छा लग रहा है इसका। क्या महत्व है भाई, एक यार इनमें भी डबल एक्सल होता है। पहली बार सुना बच्चों में भी डबल एक्सल। सो गाइस, ये व्लॉग होली के अगले दिन की है। तो चाचा चाची जी लोग यहीं पे सो रहे थे, तो नेक्स्ट डे उठी थी तो उन्होंने बोला कि हम नहा ले रहे हैं और हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करेंगे। बट मैंने बोला कि चलो सब लोग इकट्ठे हैं तो पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि पकौड़े ऐसी चीज़ होती है ना कि सब लोग साथ में रहते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेज बना रही थी, जिसमें मैंने पालक के, आलू के, लौकी के, गोभी के मिक्स पकौड़े मैंने बनाए थे। तो सबके लिए पकौड़े यहाँ पे रेडी कर दूँगी। सब लोग बारी बारी से नहा नहा के अपना ब्रेकफास्ट कर ले रहे थे। पकौड़े, चाय, बाकी सूखा जो भी ड्राई स्नैक्स होता है वो सारा कुछ रख के हमने अपना नाश्ता, हैवी नाश्ता हो गया हमारा। तो बस ऐसे हमारे दिन की शुरुआत हुई थी। 1000 years later कुछ कहा? 2 मिनट की क्लिप दे दो, कुछ कंटेंट दे दो जल्दी से। सो दोपहर का लंच हो रहा है, बताओ क्या लंच में बनाया? ब्रोकली एंड दाल। हाँ, और अभी कहाँ से आ रहे हो? कंटेंट मांग रही पति से। अभी कहाँ से आ रहे हो? लड़कों की शॉपिंग करके। लड़कों की शॉपिंग में क्या क्या किया? और इसके लिए इन लोगों को हमारी वीडियो देखनी चाहिए ना, जो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है फैशन फैक्ट्री की। तो गाइज, अगर आप लोग को जानना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलते हैं तो आप लोग जाइए मेरे उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बोलो इंटेंसिव वाला, अरे वो जोमेटो वाला ऐसे फेमस हुआ था ना। सो गाइज, मैं ऐसी हूँ जो बाइक चलाऊंगी अपनी घर के अंदर बैठ के, बिना बाइक के बाइक चलाऊंगी। 70 रुपए इंसेंटिव लगा के साथ कमा लेती हूँ। गाइस, हम लोग को भी वायरल कर दे यार, हम लोग को पैसा मिलेगा। हम लोग पैसे से, आप लोग को जानना है ना फर्स्ट पेमेंट से क्या लिया हमने? तो फर्स्ट पेमेंट कल मैं रिवील करूंगी, मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी अपने दोनों यहाँ पे जो मेंबर खड़े हैं, इन दोनों मेंबर के साथ में। मैं बहुत गरीब हूँ, ये कलर बहुत सुंदर है, चलो कमेंट करेंगे बता तुम्हें। देखो अभी कितनी बड़ी छूटी। सो गाइस, तभी कह रही थी बेकार रिमिट लगा, पे कलर बड़ा सुंदर है। सो गाइस, फर्स्ट पेमेंट के पैसे जो आए हैं उसमें ये हकदार यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत यार, ये बहुत पैसा दो मुझे। उसी में से इनको भी दूंगी, उसी वाले में से। तो भावी हो गया? हो गया नहीं, मेरे फर्स्ट एक रुपए नहीं देंगे तुम। अरे नहीं यार, फर्स्ट पहली जब तक पहली कमाई, देखो यार किस्मत से लोगों के हाथ में होती है पहली कमाई से। सुनो, इनकी पहली कमाई इतनी आनी चाहिए कि मैं इनसे एप्पल की वॉच ले सकूं। सुनो सुनो, कितनी आनी चाहिए मतलब अच्छी खासी? एटलीस्ट 1 लाख महीना। हाँ तो हो सकती है आज के टाइम में, आज के टाइम में बुरा नहीं है, बहुत मुश्किल है, बुरा नहीं है आज के टाइम में यार। एप्पल वॉच भी तो महंगी आती है ना। क्या तुमने मुझे अपनी पहली कमाई से कुछ दिया नहीं था? 15,000। सुनो, पहली कमाई से कुछ दिया नहीं था? शादी से पहले माँ का हक होता है बेटे की कमाई पे। ओह माय गॉड, एक दिया नहीं बदले के मांगने लगी। कहेंगे दिला के रहेंगे, मां का मुंह खोल के मार भी रही है। भी एक दिया नहीं बदले मांगना शुरू हो गया। नहीं है भैया, जितनी आपकी आ गई। तुम्हारे घर को आना बंद कर देगा, कैमरे घूमोगे नहीं हमारे घर भाई। पहली बार मैं पूछ के ऑन करी हूँ, मैंने कल पूछ लिया था आपसे। हाँ, इसी से वीडियो चलते हैं। कंसेंट लिया था, इसी से वीडियो चलते हैं। ये तो मैं टैगलाइन मारी है। अब मैं बात कर रही हूँ, कंसेंट इनका ले चुकी थी तब मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ऐसे भी अपनी ऑडियंस को बोल देती हूँ, बोली आगे 3 को दिखाई, उनसे बोली आगे 3 को दिखाई। तो गाइज, अगर आपने हमारी होली वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो है, तो आप जाके देख लेना और अपने 3 लोगों को शेयर करना, फिर उन 3 से बोलना 3 और लोगों को शेयर करेंगे, ऐसे पूरी चेन लगा देना और मेरे वीडियो को वायरल कर देना, क्योंकि मेरी होली वाली वीडियो वायरल होती ही होती है, दावे के साथ बोलती हूँ। 2000 years later
सो यहाँ पे मैं आ गई फैशन फैक्ट्री और मैं चाची जी के साथ आई थी। तो यहाँ पे हम थोड़े मतलब ऐसे देख रहे थे कपड़े के, कुछ लास्ट 2 डेज बचे थे। तो यहाँ पे नितिन और विरल दोनों लोग आए थे, तो फिर वो शॉपिंग करके ले गए थे नितिन विरल के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, कुछ देख के आते हैं। तो चाची के साथ मैं यहाँ पे बच्चों वाले सेक्शन में आ गई, तो आप सोच सकते होंगे कि मैं बच्चों के कपड़े क्यों ले रही हूँ। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं क्यों ले रही थी। पहले के जमाने में डिब्बा में रख के देते थे ना, अब आधा तक अब पहले पैकिंग करके देखो। जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, झोले में रख के ले देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस हिसाब को झोले में रख के देना पड़ेगा, बाकी जो दुकान वाले देते हैं डिब्बा में सजा सजा देते हैं। ये तो वो है रॉम्पर है, कितने का ये है? 1199 का। ऑफर क्या है? 40% ऑफ है प्लस 100, महंगा ही पड़ेगा आपको। 40% ऑफ तब भी पड़ जाएगा आपको, कितना वो 500 400 का, 450 समथिंग पड़ेगा। और बहुत सुंदर लग रहा है यार ये तो, मिल जाता है। हाँ, लड़कियों के एक से एक कपड़ा मिलता है। फ्रॉक रहेगी साथ में, कपड़े का नेकलेस बना रहता है। 2-2.5 हज़ार की बात रहती है, नेकलेस बना रहता है यहाँ पे लगी हुई। वही ना, लड़कियों का ही है, बड़ी बड़ी लड़कियों का। लड़की ये तो ड्रेस है पूरा, और लड़की तो H&M का है। ये भी अच्छा, ये ड्रेस ही है एक तरीके से, ये सही पड़ेगा आपको। लड़की नहीं है, लड़का है। अरे हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े ले रही थी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं न्यू बॉर्न बेबी के ही कपड़े लेने आई थी, बट खुद के लिए नहीं ले रही थी, यहाँ पे चाची जी को लेना था, तो वो देखने आई थी, तो इसलिए मैं उनके साथ यहाँ पे आ गई थी। ये देखो न्यू बॉर्न का है। तो आपको कितने कितने महीने का चाहिए? अच्छा है, वीडियो में फोटो में भी अच्छा लग रहा है इसका लुक। ये पूरा सेट है, कुछ कुछ तो हो ना, मतलब ऊपर का दे रहे तुम लोग, नीचे का नहीं दे रहे। प्यारी सी लग रही है, वीडियो भी अच्छी लग रही है। तो तुम सोच लो जैसे ये कपड़े दिए है ना, पैंट नीचे का और ऊपर, ये दोनों दिया करो कपड़ों में। अभी इस कपड़े का क्या महत्व है भाई, एक कपड़े का इनकी कपड़े सुंदर लग, कलर भी बहुत प्यारा है। लड़की वाला है सब, लड़कों का बहुत महंगा है। लड़कों में एक ये है ऑप्शन यार, इनमें भी डबल एक्सल होता है। इन लोगों का भी डबल एक्सल भाई, जब पहली बार सुना है, उन बच्चों में भी डबल एक्सल होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे फोटोज आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, जिसमें मुझे सिर्फ बेबी गर्ल के कपड़े अच्छे लग रहे थे, बेबी बॉयज के कपड़े उतने पसंद नहीं आ रहे थे। 2000 years later. So guys, यहाँ पे हमने थोड़े से मटर रखे थे, और जो रात में छोले बनाए थे ना, उसमें से मटर बच गया था, तो मैं शाम को यहाँ पे घुगनी बना रही थी। तो यहाँ पे घुगनी के लिए मैं मटर को अच्छे से वॉश कर ली थी, और उसको प्याज मिर्च लहसुन का तड़का देके उसमें मैंने मटर को डाल दिया, फिर हल्दी नमक डाल के, और उसको धीमी आँच पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और धीमी धीमी आँच पे पका लेंगे तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो वो उसको घुगनी हम लोग साइड में बोलते हैं, तो घुगनी इसको बोलते हैं। और इसको इसमें मैंने डाल दिया है जो भी मटेरियल था, पानी डालेंगे जिससे कि अच्छे से गल जाएगा। धीमा करके छोड़ दे। सो गाइस, मैंने आधा खा लिया, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो आधी चीज आप लोगों को दिखाई थी। ये देखो, ये होता है घुगनी, ये मटर की घुगनी होती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आधा खा लिया मैंने, तब मुझे याद आया अरे मैं तो वीडियो बना रही थी, वो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो गाइस, इसको बोलते हैं घुगनी, और बहुत मस्त लगता है, सिंपल सा अच्छा सा। तो मुझे छोले बनाने थे इसके, बट छोले भी 2 दिन पहले खाई थी, तो मैंने सोचा चलो घुगनी बना लेते हैं। किस किस को पता है इसको घुगनी बोलते हैं, चलो आप लोग को भी खिला देते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो के एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।